शक्ल सूरत जिसम पूरा इंसान हो जैसा है, वो फिर भी इतने कमले हो गए थे, वो कहते बला है, ये तो बुजदिल लोग ऐसा करते हैं ना जी। तो आप जब छलांग लगा रहे थे, आपके कपड़े नहीं थे उस वक्त, खुदकुशी करने जा रहे थे, छलांग लगा रहे थे, तो आप, और वजह क्या थी, मेन क्या वजह थी? अल्लाह नहीं चाहता तो कोई दुनिया में आ नहीं सकता। तो जब हम आपको वो हिला रहे थे, बात कर रहे थे, इनको इस ईद के मौके पे छोटी सी अपनी तरफ से इनको हेल्प भी करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि कोई वीडियो रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आज ईद का क्योंकि पहला दिन है तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे जितने भी मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, थोड़ा सा दिन आगे पीछे होता है, तो उन सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कसवर भाई की तरफ से, मेरी तरफ से और आशिक भाई की तरफ से सबको ईद की ढेर ढेर मुबारक। उम्मीद है आप इस ईद को हंसी खुशी गुजार रहे होंगे, और जैसा कि ये ईद का जो नाम है वो कुर्बानी है, तो कुर्बानी जो है वो ज़िंदगी में बहुत सारी जगह पे देनी पड़ती है और देना बनता भी है। और आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ, ख़ास तौर पे आपने हमारा एपिसोड देखा था जो EP 145, और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप सबके अंदर इतना प्यार इंसानियत के साथ, इतना उनके साथ मोहब्बत और इतना दुख का इज़हार करना, इतनी मतलब काफ़ी सारे दोस्तों ने ऐसा कहा कि आपका जो हमने ये वीडियो देखा तो हमें हमारे आंखों से आंसू आ गए, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ाहरी बात है जो एक खूबसूरत दिल रखने वाले लोग होते हैं, जो मोहब्बत करते हैं इंसानियत के साथ, जो नरम मिजाज लोग होते हैं, पत्थर दिल नहीं होते, तो उनको ऐसी चीज़ें जब ऐसी स्टोरियाँ सामने आती हैं तो उनको दुख जो है वो ज़रूर होता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तमाम कमेंट्स पढ़े हैं मैंने और वीडियो को देखने का शुक्रिया। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि आप वो जो भाई जिन्होंने खुदकुशी की थी तो उनके साथ आप एक दफ़ा फिर वीडियो बनाइएगा, हमें उनके हालात के हवाले से जो है वो आगाह कीजिएगा। आज गर्मी बहुत है, ईद का पहला दिन है और शदीद गर्मी है, शदीद इस वक्त देखें बिल्कुल हब्स है, और एक दो दिन पहले बारिश हुई है तो उसके बाद जो है ना हब्स ज़्यादा हो गई, और ख़ास तौर पर अगर आप खेतों वाली साइड पर आते हैं तो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हालत ऐसे है कि बस मुश्किल से बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ा ज़रूरी था कि भाई के साथ थोड़ा सा बात करें, उस दिन हम इनके साथ बात नहीं कर सके थे, थोड़ा हम जल्दी में थे, भाग दौड़ में थे, सही तरह आपको बता नहीं सके थे, मैं खुद बड़ा परेशानी में था कि यार ये हो क्या गया है, हम घर से क्या सोच के गए और आगे स्टोरी क्या निकली है, और इंतहाई दर्दनाक और ख़तरनाक। बहरहाल मैंने यही मुनासिब समझा कि इस भाई से बात करें, थोड़ा सा इनके साथ गपशप करें और कुछ इनके साथ हम अपनी तरफ से हेल्प भी करें जो हम कर सकते हैं। तो आज भाई हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले तो सर आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। ठीक है, आपकी सेहत ठीक है? जी माशाल्लाह ठीक। उस दिन तो आप यार बस मौजज़ाती तौर पे बच गए हैं, जिस तरह जो हाल बना है वो हाल बहुत ख़राब था। एक तो अल्लाह पाक ने बचा लिया है तो, और उन मच्छेरों की भी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, और मैंने तो अहद कर लिया था कि भाई आज मरना है, बस अल्लाह ताला जो कहता है वो कर दिखाता है। अल्लाह ने आपकी ज़िंदगी बढ़ाई हुई थी ना जी, बिल्कुल, क्योंकि जब तक अल्लाह नहीं चाहता तो कोई दुनिया में आ नहीं सकता और कोई दुनिया से जा भी नहीं सकता, तो ये अल्लाह का निज़ाम है। तो ये सबसे पहले तो अल्लाह की मेहरबानी है कि अगर आप उस साइड पे ना जाते जहाँ उन्होंने जाल लगाया हुआ था, जी बिल्कुल, तो फिर तो आप वहाँ से फंस भी नहीं सकते, और फिर थोड़ी देर गुजरती तो आप, मेरे ख्याल में आपने पुल से छलांग मारी थी जी, और वो नीचे उन्होंने वो जाल लगाया हुआ था जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा बताएं क्यों छलांग मारी, किस वक्त छलांग मारी, और वजह क्या थी, मेन क्या वजह थी कि आप अपनी जिंदगी से इतना तंग आ गए कि यार बहुत बुरे वक्त आते हैं, हमने भी बुरे वक्त गुजारे हैं, हर कोई गुजारता है, तो वो उस वक्त का मुकाबला करता है, लेकिन आप बिल्कुल हिम्मत ही हार गए। सर हिम्मत ना हारें तो और क्या करें, महंगाई को देख लें, सब्जी लेने जाते हैं, पहले लेते थे 100 रुपए की, अब 1000 रुपए लेके जाओ उसकी भी सब्जी नहीं आती, क्या करें हम। पेट्रोल को देख लें, कोई चीज़ को भी देख लें, घी को देख लें, हर चीज़ महंगी है, हम कहाँ जाएं गरीब। 4 मेरी बेटियां हैं, 1 मेरा बेटा है, उनको कैसे खिलाऊं मैं, 600 रुपये मेरी मजदूरी है, घर का खर्चा है 1500-2000, तो मैं कैसे पूरा करूं। तो घर अपना है या किसी की जगह पे बैठे? नहीं घर भी अपना नहीं है। घर भी अपना नहीं है? नहीं। तो अब आपके बच्चे कैसे हैं अभी,
पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं जी, पढ़ाने की हमारी औकात ही नहीं, हम गरीब आदमी हैं। तो आपकी फैमिली के क्या तसर्रात थे? मतलब जब आप खुदकुशी करने जा रहे थे, छलांग लगा रहे थे, तो आप अपनी फैमिली से, बच्चों से मिल गए थे, प्यार किया था, जी किया था मगर उनको दिल में पता क्या नहीं था। सोचती कि यार मैं जा रहा हूँ बस, क्या दुख नहीं था, क्या था? मतलब थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें, हमारे दोस्तों को सर बताएं। दुख भी था, सब कुछ था, मगर उस टाइम जहन पे एक चीज सवार थी कि भाई आज मैंने मरना है। कोई आखिरी ऐसी चीज जिससे आप बहुत तंग आ गए हो, कोई सब्जी परचेज करने गए थे, या कोई मतलब जैसे घर के कोई अखराजात में मसला होता सर है, रोज ही तंग आते हैं, कोई एक दिन हो तो आपको मीटर भी आप बताएं। कह रहे थे कट गया था आपका, ऐसे ही जी मीटर भी कट गया, तकरीबन मेरा 20,000 रुपये बिल आ गया था मीटर का। 20,000 रुपये? जी 20,000 रुपये। क्या एसी वैसी चलाते थे? एसी पंखा तक नहीं है घर में, एसी कहाँ से चलाएंगे फिर भी सर। 20,000 रुपये बिल आ बीस गया। हजार रुपये इस हुकूमत की सर हमें तो समझ नहीं आती, क्या करें इस हुकूमत के साथ। अच्छा एक चीज बताएं कि जब आपको हम घर छोड़ के आए, जी और आपके बच्चों के क्या तस्सुरात थे? खुशी महसूस की कि बच गए, या वो तो एक सख्तातारी हो गया होगा उनके ऊपर, बच्चे तो आपकी सर वाइफ को जब बच्चे होते बताया आप? हैं, वो तो रोने लग गए थे, मगर अब क्या किया जा सकता है, अब तो बच गया हूँ। तो पछतावा है कि यार वो उस गलत दिन काम तो करने मेरी लगे? कोशिश थी कि मैंने मरना है, मगर अब वो होता है कि भाई बच गया हूँ। आपका भी शुक्रगुजार हूँ और उन मच्छरों का भी। सर जी, बात यह है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इंसान को ना, जी हर मुश्किल वक्त का मुकाबला करना चाहिए। जी तो बिल्कुल आप जब छलांग लगा रहे थे, आपके कपड़े नहीं थे उस वक्त, वो कपड़े किधर गए थे? सर, जाहिर बात है कपड़े पहन के घर से आए होंगे तो कपड़े वो किधर मैंने गए? पहले फेंक दिए थे, अगर कपड़े होते तो मच्छरों को पता चल जाता भाई ये आदमी जा रहा है। अच्छा, मेरा जब इरादा मरने का था तो मैं, कपड़े पहले पानी उसी हाँ पे फेंके, पहले पानी में फेंक। और पुल के सेंटर से छलांग लगाई, कहाँ से जी लगाई? सेंटर से लगाई थी। तो जब हम आपको वो हिला रहे थे, बात कर रहे थे, होश में नहीं थे आप, नहीं सर उस टाइम कुछ मुझे पता नहीं है कुछ वो, पता कुछ नहीं, मामला नहीं कब उन्होंने आपको पानी से पकड़ा है, बाहर लेके आए हैं, कोई कुछ पता पता नहीं नहीं है है। सर मुझे, कोई जब पता आपको नहीं। पहली दफा होश आया तो क्या देखा? मुझे देखा, क्या देखा आपको लोग? देखा सर, पहले पहले आपको देखा मैं। अच्छा, हाँ आप मुझसे बात कर रहे थे, और हैरानगी हुई थी कि इतने लोग जमा बिल्कुल हुए हैं, हैरानगी हुई थी, फिर वो सारी स्टोरी याद मैं आई। क्या सोच के गया था और क्या हो गया था। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं, क्या आपका सिलसिला है, कैसे जिंदगी चलेगी? सर इस मुल्क में तो जिंदगी चल नहीं सकती, जो हमारे मुल्क के हालात हैं। यहाँ पे हमारे हाँ पास घी लेने के पैसे नहीं है, बिजली का हाँ बिल भरने के पैसे नहीं है, हम तो अभी कैसे मरना भी जिंदगी इसी को मुल्क में है, चलाएं जीना सर, भी इसी मुल्क में है कैसे ना, चलाएं बताएं। अब बाहर कैसे जाएंगे? वीजा है आपके पास, कैसे लेंगे वीजा, क्या करेंगे? बस तो बात यही तो जा मजदूरी रहा था करनी अल्लाह पड़ेगी। मियाँ के पास, बस आपने बचा लिया, आपकी ये मेहरबानी तो है, कोई उन्होंने हल नहीं ले है लिया। ना, मतलब इसी मुल्क में रहना है बेटा, मुकाबला करना है, हिम्मत पैदा करनी है, ये तो कोई तरीका नहीं है कसूर साहब, कि आप हिम्मत हार जाए और छलांग मारे और जिंदगी का, ये तो बुजदिल लोग ऐसा करते हैं ना जी। और आपको पता है हमने वीडियो आपकी अपलोड की थी, आपकी इजाजत से की है, आपने कहा मेरे बच्चे नहीं आने चाहिए, जी बिल्कुल मेरा घर नहीं आना चाहिए, मेरी जी मिसेज नहीं आनी चाहिए, जी उन सबको हमने किसी की वीडियो नहीं बनाई। देखिए आपने कोई वीडियो नहीं आई, आपको नहीं दिखाई है आई। ना थोड़ी देर जी पहले, बिल्कुल जी उनकी किसी की वीडियो, क्योंकि आपने मुझे इजाजत नहीं दी। ठीक है आज भी हम आपके पास आए हैं, आपसे इजाजत ली है, आपने कहा मेरे घर से, मेरी बस्ती से दूर ये गांव की एक जगह है आपके घर के साइड पे, तो वहां बैठ के हम वीडियो जी बना रहे हैं। बिल्कुल आपकी इज्जत का, आपके बच्चों का हमें एहतराम है। अगर आप इजाजत देते कि हमारे बच्चों से बात करवा दें, मेरी मिसेज से बात करवा दें, तो मैं उनसे भी बात करता। तो जी अब बिल्कुल हमारे से आप क्या चाहते हैं? सर, आपसे यही चाहते हैं कि आप हुकूमत को कोई पैगाम दें, आप ये चैनल चला रहे हैं तो आप हमारा गरीबों का जरिया बने, कोई हुकूमत को कहें कि महंगाई को कम करे, गरीब आदमी नहीं तो ऐसे ही खुदकुशियां करते रहेंगे। दोस्तों ये वो भाई हैं जिन्होंने छलांग लगाई थी दरिया के ऊपर से, और हम इनको बला समझ के गए थे। कुछ दोस्तों ने ये भी कहा कि यार आपने थंबनेल के ऊपर जो है ना बला लिख दिया है, तो मैं बला इस सेंस में लिखा था कि वो मछेरे कह रहे थे कि हमने एक बला पकड़ लिया है, उसमें कोई झूठ नहीं था। तो थोड़ा सा एक सस्पेंस होता है वीडियो में, जिसकी वजह से मैंने बला लिख दिया, लेकिन बला कोई ऐसी चीज नहीं थी कि उस एपिसोड में उसका कोई तल्लक ही नहीं था उस बात का ना। अगर उस एपिसोड में इस बात का कोई तल्लक ना होता तो वो हम बिल्कुल ना लिखते उसके ऊपर। थंबनेल की जो लाइन थी उस बात का इस एपिसोड के अंदर ताल्लुक जरूर था। हम नहीं कह रहे थे बला है, लेकिन मछेरे कह रहे थे कि ये बला है, और मछेरों का दिमाग कोई ऐसा खराब हुआ हुआ था, वो बिल्कुल सामने देख रहे थे कि एक इंसान है, जीता जागता इंसान है, शक्ल सूरत जिस्म पूरा इंसानों जैसा है, वो फिर भी इतने कमले हो गए थे, वो कहते बला है। और मैं जब देखा कि अब ये कहना नहीं मान रहे, और थोड़ी देर अगर ये ऐसे पड़ा रहता तो खुदा ना खासा इनकी जान जा सकती थी। तो आज हम इनको इस ईद के मौके पे छोटी सी अपनी तरफ से इनको हेल्प भी करेंगे, और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमें बताएं, नंबर दे दें, हम हेल्प करेंगे। भाई हमें किसी से हेल्प नहीं चाहिए, हम अपनी तरफ से अगर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो करेंगे,
ये बड़ा गलत काम होता है कि मैं किसी को बोलूं जी ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें मेरी हेल्प कर दो, अब मैंने बाहर बाहर के मुल्क में जाना है, अब जो है ना मैंने ये करना है। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, हम इन जैसे भाइयों की और भाइयों की हम ऐसी खिदमत कर सकते हैं कि वो अपनी लाइफ को सही तरह से चला सकें, अपनी परेशानियों को खत्म कर सकें। ऐसा नहीं है हम झोली फैला लें और जी भाईजान आप 1 लाख रुपए मुझे भेज दें, उसमें से 80 मैं रख लूं, 20 इधर दे दूं, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते, आज तक नहीं किया और ना ही हम इस प्लेटफॉर्म से आइंदा कोई ऐसा काम करेंगे। ना हम किसी को जवाब दे सकते हैं, कोई पैसे भेजे बोले जी हमने भेजे थे, पता नहीं किधर गए हैं, खा गए हैं, क्या किया, ऐसा काम नहीं करते। अपनी तरफ से ईद के इस मौके पे इनके बच्चों के लिए इसमें 1,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये जो कुछ काम होते हैं वो छुपा के करने पड़ते हैं। बहरहाल इतने हैं कि इनका 1 महीना जिंदगी का बड़ी आसानी के साथ गुजर जाए और ये घर का बिजली का बिल शिल जो है ना वो पे कर सकेंगे। सर ये हमारी तरफ से आप कबूल फरमाएं ईद के इस मौके पे, मेहरबानी। फिर भी आपको हम अपना कार्ड भी दे देते हैं और अगर जो है ना आपको कोई टेंशन हो तो आपने मुझे कॉल करनी है और मुझे बताना है कि आपने कोई चीज़ घर की चाहिए या आप मतलब राशन का मसला है, और मैं कोशिश करूंगा आपको कोई ऐसी हम शॉप बना के दे देते हैं या ऐसा काम करके देते हैं जहां से आपके बच्चों का रिस्क चलता रहे। अब इसमें से आप बिजली का बिल भर लेंगे, आपका मीटर नहीं कटेगा। अगर SDO से बात करनी है, एक्सियन से करनी है, मेरी बात करवा दीजिएगा, ठीक है। मैं साफी भी हूँ, थोड़ी बहुत इस्लाम दो हमारी भी होती है, तो आप मुझे बताएंगे आपका मीटर भी नहीं कटेगा और आपके आप बच्चों को पढ़ाना भी शुरू करें और इंशाल्लाह हमारी तरफ से जो खिदमत होगी हम करेंगे। किसी भी वक्त हम आपके साथ आपके पास आ जाएंगे जब आप हमें बुलाएंगे। आपने ये खुदकुशी वाला काम नहीं करना जिंदगी में, इन बच्चों को पढ़ाना है। जैसे 1-2 चैनल वाले और आ जाएं तो इस मुल्क के कुछ हो सकता है। सर आपने जिंदगी को खुद तब्दील करना है, हर दफा चैनल नहीं आते चैनल वाले। हम तो आज साथी तौर पर आ गए, हम एक वीडियो बनाई हुई थी, वो पीछे एक स्टोरी चल रही थी, हमने कहा उसी से रिलेटेड है शायद। हर दफा चैनल वाला कोई नहीं आता, मसीहा नहीं आता, खुद इंसान को चलना पड़ता है। आपने हमारा बहुत साथ दिया, अल्लाह पाक करम करे। तो इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों ये भाई के साथ हमने एक वीडियो बनाई है और वीडियो बड़ी अफसोसनाक भी है। अब जितने दोस्तों ने उसको प्रोग्राम को नहीं देखा, जहाँ से भाई को हमने दरिया से पकड़ा था और मछेरों ने इनको फिर बाहर निकाला और फिर हमने इनसे बात की, पानी शानी पिलाया, उन सब काविश को आपने देखा, पसंद किया, तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कोई अच्छी लोकेशन पे अच्छा एपिसोड लेके आएंगे। एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से, इस भाई की तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ईद की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकॉन को प्रेस करके कर सकते हैं। शुक्रिया।